नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका माइंड क्रिप्टो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीबीडीसी के केवाईसी के बारे में, उसमें केवाईसी कैसे कंप्लीट करनी है, क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, ये सब कुछ हम वीडियो में देख लेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ आपको, सीबीडीसी की केवाईसी करने के लिए आपको एक एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी। उस एक्सचेंज को मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, उसका लिंक नहीं दे सकता यहाँ पे, तो उसको मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा। उधर से जाकर उसको डाउनलोड करना है और ये जो सीबीडीसी एप्लीकेशन है उसको अपडेट करना है, तो अपडेट का भी एपीके फाइल मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा। उधर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपडेट कर लेना। तो हम देखते हैं केवाईसी कैसे करनी है, क्या प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो एएन कॉइन का जो एक्सचेंज है इसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो अकाउंट भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। अकाउंट कैसे बनाना है ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, इसको आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद दोस्तों सामने पहले लॉगिन का पेज आएगा, बट लॉगिन नहीं करना है अपने को रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब अकाउंट बनाना है। ये जो ऊपर रजिस्ट्रेशन का बटन दिख रहा है आपको, रजिस्टर का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल फिल कर देनी है, जैसे ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और ये जो कोड है रिकमेंडेशन कोड, ये मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको यहाँ पे एंटर करना है। मैंने मेरी सारी डिटेल यहाँ पे एंटर कर दी है। उसके बाद दोस्तों ये जो रिकमेंडेशन कोड है यहाँ पे, ये जो कोड दिख रहा है आपको, ये कोड यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद ये जो रजिस्ट्रेशन का बटन है इसको आपको क्लिक करना है। याद रखना ये जो कोड है यहाँ पे एंटर करना ही पड़ेगा आपको, वरना आगे नहीं बढ़ता। तो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वो यहाँ पे डालना है। तो ये डालने के बाद ये जो रजिस्ट्रेशन बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा लोडिंग लेगा और कुछ परमिशन मांगेगा, परमिशन दे देना है आपको। परमिशन देने के बाद दोस्तों आपके सामने ह्यूमन वेरिफिकेशन मशीन आएगी, मतलब जो आई एम नॉट अ रोबोट होता है वैसे आपको करना है। ये जो ग्रीन वाला है यहाँ पे आपको धीरे से स्लाइड करके यहाँ पे बराबर एडजस्ट कर लेना है। ये जो भी पजल है इसको कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। याद रखना दोस्तों ये जो कोड होता है 2 मिनट के लिए होता है, मतलब 120 सेकेंड के लिए। ये जो काउंटडाउन है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है नीचे, उससे पहले आपको ये कोड यहाँ पे एंटर करना है। ये देख सकते हो मुझे ये कोड यहाँ पे रिसीव हुआ है, बट दोस्तों ये जो कोड है स्पैम फोल्डर में आता है, तो आपको स्पैम फोल्डर में चेक करना है, यहाँ से कॉपी करके आप वहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद दोस्तों कंफर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका कॉन्ग्रेचुलेशन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ जाएगा। ये देख सकते हो आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी आपका ऐड कर सकते हो। पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया था, अभी आपको सेम आईडी से यहाँ पे लॉगिन करना है। तो जो भी आपने आईडी पासवर्ड डाला था वही आईडी पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना है। अपना आईडी पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अकाउंट लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, केवाईसी के लिए आपको एक एड्रेस चाहिए होगा, तो एड्रेस वो कौन सा चाहिए मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको क्या करना है, ये जो फंड्स वाला सेक्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो डिपॉजिट वाला बटन है बीच में, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने ये सारे टोकन यहाँ पे खुल जाएंगे। तो आपको सीबीडीसी का अकाउंट चाहिए तो ऊपर सर्च कर लेना, या फिर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, बट मैं यहाँ पे सीबीडीसी सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद दोस्तों और यहाँ पे जो सीबीडीसी का लोगो वगैरह है यहाँ पे आ जाएगा। सीबीडीसी पे क्लिक करना है आपको, और ये जो एड्रेस दिख रहा है आपको असेट एड्रेस, ये यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम चलते हैं हमारी केवाईसी करने के लिए। तो आपको मैंने सीबीडीसी का एप्लीकेशन दिया है टेलीग्राम पे, और एएन कॉइन का भी एप्लीकेशन टेलीग्राम पे दिया है। सीबीडीसी को अपडेट कर लो जाके, और एएन कॉइन को इंस्टॉल कर लो। ये सब होने के बाद दोस्तों आपको केवाईसी करनी है। ये ऊपर येलो कलर का लोगो दिख रहा है आपको नेम के सामने, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद ये केवाईसी वाला सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऊपर अपना कंट्री और अपना मोबाइल नंबर मांगेगा। तो आपको सबसे पहले अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आपको क्या करना है, जिस मोबाइल नंबर का सिम है, मतलब जियो का है, एयरटेल का है, वोडाफोन का है, जिसका भी मतलब आपका ऑपरेटर है, वो यहाँ पे एंटर करना है। ओके, तो मेरा जियो का है तो मैंने यहाँ पे जियो का एंटर किया है। और नीचे फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिख रहा है,
वो आपको दोनों एंटर करना है। कोई कोई लोग फर्स्ट नेम डालते हैं, उनकी केवाईसी नहीं होती, आगे प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा आपका। ओके, तो आपको लास्ट नेम भी डालना है। अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम देने के बाद दोस्तों आपको नीचे जो असेस्ट एड्रेस दिख रहा है वो एड्रेस यहाँ पे कॉपी किया था हमने जो एक्सचेंज से, वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों ये जो कंफर्म सबमिशन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी केवाईसी यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई है, मेरे को इनका पॉपअप भी आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। अभी आपको क्या करना है, ये गॉट इट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अभी आपको चेक करना है आपकी केवाईसी हुई या नहीं हुई, तो आपको फिर से इस पर केवाईसी पे क्लिक करना है। आपको ऊपर एक पॉपअप आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुल, मतलब आपकी केवाईसी हो चुकी है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है 6 महीने तक, जब तक आपके लॉकअप में टोकन है तब तक आपको इसमें वेट करना है। सारे टोकन अनलॉक हो जाएंगे, हम देखेंगे किस पे लिस्ट होता है ये टोकन और क्या प्राइस पे लिस्ट होता है, वो सब कुछ हम देखेंगे। और विड्रॉ वगैरह क्या कुछ आता है इसमें, ये भी हम देख लेंगे। और आगे चल के कुछ आईडी का वगैरह जो भी मांगता है हमारे से, मतलब फेस वेरिफिकेशन, आधार कार्ड या भी जो भी हमसे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगता है, तो देखते हैं आगे आता है या नहीं आता है, वो भी देख लेंगे। अगर कुछ भी आता है इसके बारे में अपडेट तो मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम पे भी बता दूंगा, आपको वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप माइनिंग एंड बाय बाय, थैंक यू।